बरेली की तहसील नवाबगंज के थाना क्षेत्र कुलड़िया के करुआ साहबगंज के किसान की मौत के मामले में परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से ही इनकार कर दिया था, जिससे हड़कंप मचा हुआ था। किसान और उसके परिजन वीरपाल की मौत को हत्या बताकर प्रशासन से कार्रवाई और आरोपियों को जेल भेजने की मांग पर अड़े हुए थे। बाद में सूचना मिली कि पुलिस के अधिकारियों ने समझा बुझाकर शव का अंतिम संस्कार कराया। करुआ साहबगंज के रहने वाले मृतक वीरपाल के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हैंगिंग की बात कही जा रही है। गुरुवार को जब गांव में मृतक का शव पहुंचा और ग्रामीणों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी हुई तो नाराज परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर शव को वहीं रखकर अंतिम संस्कार से ही इनकार कर दिया, जिसकी जानकारी होते ही एक बार फिर गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गया। शुक्रवार को शव के अंतिम संस्कार नहीं किए जाने की बात को सुनते ही गांव में भारी पुलिस फोर्स और पीएसी लगा दी गई, जिसमें कई थानों की फोर्स भी तैनात हो गया। उधर वीरपाल के शव के पास ही गांव के सैकड़ों लोग भी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना पर एसडीएम और सीओ भी नाराज ग्रामीणों को मनाने गांव जा पहुंचे, लेकिन परिजन किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार को राजी नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वह सब को लेकर धरने पर बैठे रहेंगे। मृतक वीरपाल के पिता सियाराम ने अधिकारियों से कहा कि उनके बड़े बेटे की मौत पर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला, पुलिस ने उनके बेटे के हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब उनके छोटे बेटे वीरपाल को भी मारकर हत्या को आत्महत्या दिखाने को सब फंदे से लटका दिया। हालांकि बुधवार को पेड़ से लटके मिले वीरपाल के शव का पुलिस ने परिजनों के विरोध के बाद पोस्टमार्टम कराया, लेकिन गुरुवार को देर रात जब वीरपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो उसके पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में हैंगिंग की बात पता चलने पर मृतक की पत्नी व अन्य परिजनों के साथ गांव वाले आग बबूला हो उठे और उन्होंने शव को वहीं रखकर अंतिम संस्कार से ही इनकार कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने पुलिस से यह कह दिया कि वह तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक आरोपियों को पुलिस पकड़कर जेल नहीं भेजेगी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर पड़ोस के गांव के रहने वाले तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। परिजनों का यह भी आरोप है कि जिन लोगों ने वीरपाल को मारा उन्होंने एक साल पहले शेर सिंह को भी मारकर सब को पेड़ से लटका दिया था। वहीं इस मामले में परिजनों के धरने पर बैठने के बाद गांव के चारों ओर पीएसी लगा दी गई। पुलिस गांव में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए है। कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में डटा दी गई। अंत में पुलिस के अधिकारियों ने किसी तरीके से समझा बुझाकर वीरपाल के शव का अंतिम संस्कार करवाया। घर से मतलब फोन किया, उनके पास किसी ने किया, वो फोन किया, घर से गए, फोन से बुला के, वो फोन छीन नहीं थी पत्नी उनकी, फोन नहीं दिया, गुम्मा उबाया, चले गए। उनने जैसे अपने फोन किया होगा, फोन नहीं रिसीव किया, बार बार फोन लगाते रहे, उनके बड़े भाई भी लगाते रहे मगर फोन रिसीव नहीं किया। पहर भाई फोन लगाते थे, उनके भाई भी, मगर फोन रिसीव नहीं किया। गांव में कई लोगों से लगवाया उनके भाई ने कि हमारा नहीं कर रहा, कब तक किसी और का कर ले, नहीं फोन रिसीव किया। बाद में सुबह शाम हुई तो शाम को 6 बजे सारे लोग, मेरे जेठ और देवर उबर वगैरह जैसे जितने गांव के लोग थे वो सब लोग जैसे ढूंढने गए, नहीं मिले। सुबह फिर गए ढूंढने, 7 बजे ढूंढने गए तो उन्हें हमारे ही खेत पे पेड़ से टांग दिया गया। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नगर, हर खबर।